So people who are sitting here, I'm Saurabh Singh and मैं एक शायर हूँ. ऐसे नहीं कि हर कोई शायर है, हर किसी का दिल टूटा है, हर कोई लिखता नहीं है. कुछ लोग लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ. मेरा दोस्त अभी पहले आया था, वो लिख रहा था, उसका दिल नहीं टूटा है, मेरा दिल टूटा है. मेरे शायरी में आपको दर्द ज़्यादा दिखेगा. तो ये मेरे दोस्त के नाम, मतलब उसने गुजारिश की है कि पहले इसी से स्टार्ट होगा. तो ये तेरे सारे गुनाह मैं अपने सर कर लूँगा, तेरे नाम का सवाल नहीं उठने दूंगा. तेरे सारे गुनाह अपने नाम कर लूंगा, तेरे नाम पर सवाल नहीं उठने दूंगा. बेफिक्र रहे तू मेरा क्या है, बेफिक्र रहे तू मेरा क्या है, मैं तो आईना हूं, ज्यादा से ज्यादा टूट जाऊंगा. शुक्रिया. आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, मैं बस चार लाइन के लिखता हूँ. इतनी सी दुनिया, चार दिन की जिंदगी है, चार लाइनों में खत्म हो जाती है. तो ऐसा होता है ना कि हर कोई जब प्यार करता है तो एक मोमेंट आता है कि लड़ाई हो रही है, आप बात नहीं कर रहे, आपकी बनती नहीं है. तो उस मोमेंट पे मैंने कुछ ऐसा लिखा था कि सीने से लगाकर अपने मेरे आंसू पोछेगा कौन, मेरे रूठने के बाद खुद रूठकर मुझसे मनवाएगा कौन, क्यूट फेस बनाकर अपनी सारी मांगे पूरी करवाएगा कौन, तेरे बिना मुझ अकेले को पहचानेगा कौन. कि क्यूट फेस बनाकर अपनी सारी मांगे पूरी करवाएगा कौन, तेरे बिना मुझे अकेले को पहचानेगा कौन, तुम चले जाओगे तो मुझे अपना कहेगा कौन. मैं आपको स्टेजेस में बताता हूँ कि क्या क्या होता है एक रिलेशनशिप में. तो एक ये वाला ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आप रूठे हो, आपको आप सैड हो, लेकिन आपको ऐसा मोमेंट आता है कि आप वन साइड हो पूरा. मतलब आप कुछ सामने वाले की गलती है वो मान नहीं रहा है, या तो आप सामने वाले से बहुत प्यार करते हो या फिर एक तरफा प्यार, जो भी आप कह लो, जैसा भी आपको समझे. तो ये ऐसा है कि ये ज़्यादातर अकेलेपन पे लिखा है कि सोचा था देख लूँ रूठने का मज़ा क्या होता है, आपका अपना कोई आपको कैसे मनाता है. कि सोचा था देख लूँ रूठने का मज़ा क्या होता है, आपका अपना कोई आपको कैसे मनाता है. पर गलती तब दिखी मुझे जब समझ में आया कि रूठने का मज़ा सिर्फ उनको होता है जिनको मनाने वाला कोई होता है. तो ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं जाएंगे. जैसे जैसे मैंने लिखा है, मतलब जैसे मुझे याद आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ वैसे पढ़ रहा हूँ. आप अपने आप को कनेक्ट कर लेना, आप अपनी स्टोरी बना लेना. तो यहाँ पे ये वाला शायरी स्पेसिफिकली जैसे कि जैसे आपने किसी को देखा पहले बार, तो फिर आप किसी की खूबसूरती को निहार रहे हो. तो उस अंत ऐसा है कि तेरे आँखों के समंदर से कुछ बूंद मुझे भी दे, तेरे लहराते बालों को हवा जरा हम भी तो दे. कि तेरे आँखों के समंदर से कुछ बूंद मुझे भी दे, तेरे लहराते बालों को हवा जरा हम भी तो दे. अपने चेहरे से पर्दे को हटाकर, कि अपने चेहरे से पर्दे को हटाकर मेरी आँखों की तरस को तलब तो दे. तो ये सोचो, अभी ये देख लिया, मतलब हो गया, बात वगैरह चालू हुई, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, एक दो महीना गए, प्यार ज़्यादा अभी बढ़ रहा है, अभी दिख रहा है, प्यार जता रहे हैं दोनों. तो उस टाइम ये पूछा जाता है कि सेम, मैं मतलब मुझे पता नहीं क्या है कि आँखों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, तो मैंने आँखों पे ज़्यादा लिखा है, मैंने लोगों के आँखों में अपनी दुनिया देखी है. तो आपको नजराना करता हूँ कि तेरे आँखों के समंदर में तैर कर नहीं, तू इजाज़त दे तो मैं डूब कर देखी हूँ. तेरे आँखों के समंदर में मैं तैर कर नहीं, तू इजाज़त दे तो डूब कर देख लूँ. तेरा हुस्न सुभान अल्लाह, तेरा उस हुस्न सुभान अल्लाह कत्ले आम है, तू इजाज़त तो दे मैं इस पे मर के देख लूँ. और इन लास्ट के दो लाइनों पे ज़रा गौर फरमाइएगा. ये आपको कुछ पता नहीं कैसे लगे, लेकिन मैंने लिखा है कि तेरा हुस्न सुभान अल्लाह कत्ले आम है, तू इजाज़त तो दे मैं इस पे मर के देख लूँ. तेरे होठों पे मेरा नाम जैसे कोई नशा है, तेरे होठों पे मेरा नाम जैसे कोई नशा है, तू इजाजत दे तो जाम को होठों से लगा कर देख लो. तो हम लोग यहाँ से अभी फिर से आगे पीछे चलते हैं. तो हर कोई, जैसे अभी मेरे दोस्त ने बोला कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हर कोई बोलता है कि उसने इश्क नहीं किया, उसका दिल नहीं टूटा है.
ये बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं इस पे एक सुनाना चाहूंगा कि इश्क में भटके हुए को ही मंजिल मिलती है, इश्क में भटके हुए को ही मंजिल मिलती है, इश्क जिसका मुकम्मल उसको जन्नत मिलती है, इश्क में भटके हुए को ही मंजिल मिलती है, इश्क जिसका मुकम्मल उसी को जन्नत मिलती है, और इश्क में टूटे हुए को सजा मिलती है। हाँ माना, हाँ माना कि इश्क में टूटे हुए को सजा मिलती है, लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, इश्क जो ना करे जनाब उसको सुकून कहाँ मिलती है। हाँ, ये मैंने अपने दोस्त पे लिखा था। ऐसा नहीं कि मेरा मतलब अंदाज ऐसा है कि मैं एक शायर हूँ, तो लफ्जों से मेरा खेलना रोज का रहता है, तो मैं हर किसी से ऐसे ही फ्लर्ट वगैरह करते रहता हूँ, तो लोगों को लगता है मैं उनसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे एक दोस्त ने बोला, हाँ मुझसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो मैंने उस पर लिखा था, हाँ माना मैं अलग था शायद इसीलिए अकेला था, हाँ माना मैं अलग था शायद इसीलिए अकेला था, तेरे बिना तो मैं हमेशा ही अधूरा था। अब कहते हैं ना कि दोस्त, एक लड़का और लड़की दोस्त क्यों नहीं हो सकते, तो उस टाइम मुझे भी लगता था एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। तो मैंने ये ऐसे लिखा था कि हाँ माना मैं अलग था इसीलिए अकेला था, तेरे बिना तो मैं हमेशा अधूरा था, प्यार तो बहुत करता हूँ तेरे से पर इश्क नहीं। और फरमाइए, प्यार तो बहुत करता हूँ तेरे से पर इश्क नहीं, तू वो हकीकत है जो कभी मेरा सपना था। तो हाँ, यहाँ पे कुछ कम लोग बैठे हैं, तो हर किसी का एक, जैसे अगर कुछ बोलूंगा प्यार और इश्क का अगर कुछ बोला, तो एक किसी का चेहरा आएगा, एक लिबास आएगा, एक तस्वीर आएगी आप सब क्या मतलब जहन में। तो मैं जब भी याद करता हूँ तो मेरे जहन में एक तस्वीर आती है, तो मैंने उस पर कुछ लिखा था जो मैंने पहली तस्वीर देखी थी कि सलवार सूट पहन के पानी के किनारे बैठी हो, सलवार सूट पहन के पानी के किनारे बैठी हो, हाथों में मेहंदी और आंखों में काजल लगा कर बैठी हो, वो गले का हार कान की बालियां और चूड़ियां, वो गले का हार कान की बालियां और चूड़ियां चीख चीख कर कह रही हैं कि हद से ज्यादा खूबसूरत होने की गुनाह कर बैठी हो। शुक्रिया। तो ऐसा है कि अभी हम लोग पूरा फास्ट फॉरवर्ड होते हैं और एंडिंग पे जाते हैं। अभी हो गया ब्रेकअप, अभी हाँ अभी हो गया ब्रेकअप, हर चीज का अंत होता है, हर रिलेशनशिप का एंड होता है, यहाँ पे भी हो गया पार्टी पार्टी। तो जब ब्रेकअप वाले स्टेज पे आप लोग होते हो, आपका किसी ने बोल दिया हाँ ब्रेकअप, सामने वाले ने बोल दिया ब्रेकअप, लेकिन आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, मैंने जैसे पहले बोला मैं दूसरों की आंखों में अपनी दुनिया देखी है, तो उनको मैंने अपनी आंखों में भी बसा के रखा था। तो मैंने तब लिखा था कि जिनकी आंखों से हम घायल हुए थे, जिनकी आंखों से हम घायल हुए थे, उनको आंखों में कुछ ऐसे बसा चुके थे, जिनकी आंखों से हम घायल हुए थे उनकी उनको आंखों में अपने कुछ ऐसे बसा चुके थे, आंसू बनकर बह ना जाए कहीं वो, कि आंसू बनकर बह ना जाए कहीं वो, इसलिए आंखों में अपने बांध बनाए बैठे थे। तो ऐसा होता है कि अब ब्रेकअप हो गया, आपने दर्द वगैरह है, आप हमेशा ऐसा होता है कि दोनों लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इसकी गलती थी मेरी गलती थी, कोई नहीं बोलेगा मेरी गलती थी। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ये अगर कोई बाद में भी देख रहा हो मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियों को बेवफा बोला जाता है, लड़कों को बहुत कम बोला गया है, लड़कियों को हर बार हर कहीं पे भी देख लो बेवफा लड़कियों को ही बोला गया है। अब ऐसे अब मैं अपने तरीके अपने मतलब जो भी एक्सपीरियंस है उससे भी यही बोल सकता हूँ, जमाने को भी यही हुआ है, हजारों सालों से भी यही होता है। तो ये एक बेवफा के नाम रातों की नींद को मेरी चुराया तूने, रातों की नींद को चुराया तूने, वफा के बदले मेरी की बेवफाई तूने, हालत मेरी बयां करूं तो कैसे करूं इस जमाने को, हालत मेरी बयां करूं तो कैसे करूं, आंसुओं से मेरी अपनी प्यास बुझाई तूने। तो अभी ये मतलब जो भी आप
कहीं और ड्रिफ्ट हो रहे थे अपने पास में, अपने किसी की याद में, उसको निकालते हैं और हम आते हैं, हम लड़के हैं सर। तो कहें अभी यहाँ से एक लड़की आएगी, मैं उसको देखूंगा, मैं बिना चाहे भी उसी को देखूंगा। तो ऐसा ही ये लड़कों का ऐसे ही होता है। तो मैंने लिखा था कि ऐसे ही जा रहा था किसी से, एक दोस्त ने अपनी दोस्त से पहचान करवाया, तो मैंने लिखा था कि हुस्न की नगरी में एक और हसीना का आना हुआ, हुस्न की नगरी में एक और हसीना का आना हुआ, कुछ और लिखने का जैसे मेरा कोई बहाना हुआ। हुस्न की नगरी में एक और हसीना का आना हुआ, कुछ और लिखने का जैसे मेरे कोई बहाना हुआ, कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। ये बुरी बात है कि मैं उससे बस एक दिन के लिए मिला, लेकिन फिर भी कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया, थोड़ी देर के लिए सही किसी से रिश्ता जुड़ गया।